नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर। राजस्थान के पाली में 11 सूत्री मांग को लेकर राजस्थान नर्सेस यूनियन संघर्ष समिति जिला पाली के तत्वाधान में बागड़ मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग अधिकारी और नर्सिंग कर्मचारी अपनी मांग को लेकर अस्पताल से जन आक्रोश रैली निकाली। शहर के मुख्य चौराहे से होते हुए पुणे बागड़ अस्पताल जाकर वो समाप्त हुई। नर्सेस यूनियन संकट समिति के पदाधिकारी जालम सिंह ने बताया कि संयुक्त प्रदेश व्यापी आह्वान पर प्रदेश के संपूर्ण जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि लंबे समय में हमारी 11 सूत्री मांग जो सरकार से करते आ रहे हैं, उन मांगों को पूरा नहीं करने के चलते आज यूनियन पदाधिकारी और नर्सिंग कर्मी एक विशाल रैली निकालकर सरकार से हम अपनी मांग मानने की अपील करते हैं। हमारी 11 सूत्री मांगों में पहली मांग, हमारा निर्देशालय अलग स्थापित किया जाए ताकि समय पर काम हो सके। दूसरी मांग, नर्सेस के केंद्र के अनुरूप किया जाए। दिल्ली हो राजस्थान, दोनों का भत्ता एक समान हो। नर्सेस कर्मियों का एक फंड 3,000 रुपये किया जाए। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। संयुक्त संघर्ष समिति की 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आह्वान के उपलक्ष्य में आज जिला मुख्यालय पर नर्सेज की रैली रखी गई है, जिसमें जिले की समस्त नर्सेज भाग ले रही है। नर्सेज की 11 सूत्री मांगों में सबसे महत्वपूर्ण मांग है, हमारे नर्सिंग स्टूडेंट का स्टाइपेंड 3,000 रुपये किया जाए, जो कि नहीं के बराबर है। अलग से निदेशालय स्थापित किया जाए। नर्सेज के दिल्ली के समान वेतन भत्ते, इसके अलावा हमारा जो कई वेतन विसंगति है, कई केंद्र के अंदर अभी भी अनियमित है, उन सबको राज्य सरकार से निवेदन करता हूँ, समय रहते हमारी सारी मांगें पूरी की जाए।